हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस पर। और हम आपके लिए एक बार फिर से लेके आए हैं JVVNL हेल्पर 2 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस। क्या रहा पैटर्न और कैसा रहा एग्ज़ाम, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री तो कौन थे फ्रेंड्स? हीरा लाल शास्त्री। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह। राजस्थान के वर्तमान गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री कौन है फ्रेंड्स? अशोक गहलोत। फ्रेंड्स, कल ही मैंने जब राजस्थान की कैबिनेट की मिनिस्टर की लिस्ट आई थी उसका एक वीडियो अपलोड किया था, और मैंने आपको बोला था कि इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, और आज देखिए क्वेश्चन आ भी गया। तो फ्रेंड्स, उसको एक बार आपने नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लें। आगे देखिए फ्रेंड्स, मैथ का एक क्वेश्चन था, 240 से 320 के बीच 13 से विभाज्य संख्या कितनी है? तो कितनी है फ्रेंड्स? 7। आप निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? वेरी इजी क्वेश्चन, चंबल नदी। पूर्व से पश्चिम नदियों का क्रम पूछा था, उसके बाद पूछा था राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा फ्रेंड्स? चित्तौड़। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़, बाकी सब गड़ेया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है फ्रेंड्स? जैसलमेरी। गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, किस जिले को अन्न भंडार कहा जाता है फ्रेंड्स? तो गंगानगर। आगे देखिए फ्रेंड्स, 1 से 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत, संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा फ्रेंड्स? 20। RCDF फुल फॉर्म पूछी थी फ्रेंड्स, RCDF की क्या होगी? राजस्थान कॉरपोरेटिव डायरी फेडरेशन, राजस्थान कॉरपोरेटिव डेयरी फेडरेशन। ओके फ्रेंड्स, मत्स्य त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? अलवर में। आप ऐसे याद रख सकते हैं, राजस्थान के एकीकरण में जो पहला मत्स्य संघ बना था तो उसमें राजधानी कौन थी? अलवर, तो अलवर में यह मनाया जाता है। उसके बाद अन्ना सागर झील कहाँ पे है फ्रेंड्स? अन्ना सागर अजमेर। ए और ए याद रख सकते हैं। राजस्थान दक्षिण पश्चिम में किस राज्य से घिरा है? तो राजस्थान दक्षिण पश्चिम में किस राज्य से घिरा है फ्रेंड्स? गुजरात। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पाई जाती है? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? जयपुर। राठी गाय कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो सभी देख लेते हैं फ्रेंड्स, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर। आगे हिंदी के क्वेश्चन देखिए, कर्मवाच्य पूछा था, मैं जेठ नहीं बोलूँगा और गीता लेख लिखेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स देखिए, विलोम शब्द मृत मिलन विषभ। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मुहावरे छक्के छुड़ाना दांतों तले उंगली दबाना। आगे देखिए फ्रेंड्स, पर्यायवाची तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा वो आप देख सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेंडा बांध किस कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ओडिशा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन थे। आगे जो शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम होगा उसका भी अपने एनालिसिस कर लेंगे और देख लेंगे कि उस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली देखिए फ्रेंड्स, तो आपको अभी तक एग्ज़ाम हुए पता लग ही गया होगा कि GK और हिंदी बहुत पूछी जा रही है फ्रेंड्स। ये दोनों पोर्शन आप तैयार कर लीजिए, आपका 60% कवर हो जाएगा। 60% ये दोनों पोर्शन कवर कर रही है, बाकी साइंस मैथ इंग्लिश हिंदी बिल्कुल नॉर्मल पेपर आ रहा है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अपनी तैयारी आराम से करते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। एक बार फिर से बोलूंगा कि आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।